हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सोनिका ब्लॉग्स। आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और चाय का मैंने छोटा नहीं बल्कि बड़ा गिलास ले रखा है क्योंकि चाय ने ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने कहा दो बार कौन उठता है खड़ा, एक ही बार ले लेती हूँ बड़े गिलास पे ही, तो चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद मेरा काम है करने को। और ठंडा ऐसा हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यार। अब तो सुबह सुबह ऐसा ठंड लग रही, तो मैंने ना टोपा भी रख दिया है, ये टोपा ना इनका है। तो ये पिछली बार हम मेले में गए थे, उत्तरकाशी का मेला लगता ना जो, तो वहाँ गए थे और ये वहाँ से लिया था उन्होंने, तो उन्होंने यही छोड़ रखा है। तो मैंने सोचा चलो मेरे काम ही आएगा, मैं ही पहन लेती हूँ, घर में क्या है ऐसे पड़ा रहना उसके अंदर। आज मैंने ये टोपा पहन लिया। और ये टोपा पता किस ऊन का बना हुआ है, ये है भेड़ की ऊन का। तो जो भेड़ होते हैं उनसे ऊन निकाली जाती है और उसका ये टोपा बनाया जाता है जो लोग बुनते हैं। तो उत्तरकाशी से ऊपर साइड के लोग जो भेड़ पालते हैं और वो ना ये काम करते हैं, ऊन निकालते हैं, टोपा स्वेटर जो भी होते, पर अच्छे अच्छे इतनी गर्म होती ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है यार। और ये टोपा भी ना बहुत गर्म हो रहा है। टोपे से ना एक ही प्रॉब्लम होती है ना, खुजली बहुत ज़्यादा होती है सिर में। मैं आज तक इतनी एज हो गई मेरी, बट मैंने आज तक ना कभी टोपा नहीं रखा। छोटे में रखा होगा मम्मी लोगों ने तब, पर जब से मैं पड़ी हुई हूँ मैंने आज तक टोपा नहीं रखा कभी। ऐसे रहती थी मैं बिना टोपे की। चाय मैंने पी ली है और अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ क्योंकि मैंने जाना भी है। तो आटा गूंथ लेती हूँ, सब्जी तो कल रात की रह रखी है, उसी में काम चला लूँगी खैर, क्योंकि क्यों करनी बर्बाद। तो वैसे मेरे कपड़े भी अभी धोने के लिए, देख दो कपड़े भी धो सकती हूँ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है यार, ठंडे पानी में हाथ आने का मन ही नहीं कर रहा, तो इसलिए देखती हूँ कपड़ों का भी अभी। वैसे सुबह कोई धोना मैंने, आज धुलूँ या कल धुलूँ कपड़े धोने के लिए देखती हूँ अभी। पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर लेट हो जाता है और अभी झाड़ो कुछ अभी करने के लिए तो काम बहुत है। और एक बार आजकल ना सुबह सुबह खड़ा ही नहीं उठा जाता यार ठंड। और मैंने ना कपड़े भी धो दिए हैं, मैंने सोचा चलो धो ही देते हैं, क्या करना और, क्योंकि फिर ऐसे हो जाते हैं यार। तो मैं बाहर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम अच्छा हो रखा है, अभी धुंध धुंध ऐसी पड़ी हुई है, फिर भी दिखा देती हूँ आपको मौसम। इस साइड तो पूरी धुंध पड़ रखी है और धूप भी निकल गई है, सूर्यदेव तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इस साइड से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है, पर बाद बाकी तो ऐसी है। इस खेत में ना पूरे गेहूं बो रहे हैं, पूरे वहां से लेकर और यहां तक पूरे गेहूं बो रखे हैं, और गेहूं ना जम भी गए थोड़े थोड़े, तो अभी तो हाल में जिन्होंने दाना डाला है और इतनी जल्दी आ भी गए गेहूं। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं क्योंकि ठंडे पानी से कपड़े धोए, तो मैंने गर्म पानी भी नहीं कर रखा था, मैंने ऐसे धोए, मैं कौन करता हूँ गर्म पानी। और दोनों हाथ ठंडे हो गए, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से, तो बहुत ज़्यादा ठंड गया, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी भी ठंडा था। तो जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी, जल्दी तैयार हो जाऊँगी, लेट होता ही है क्योंकि सुबह मेरे से उठा ही नहीं जाता यार। मैंने सोचा सुबह उठूँगी, कपड़े कपड़े धुलूँगी तो जल्दी तैयार हो जाऊंगी ना, तो मेरे से उठा ही नहीं जाता। आजकल वैसे भी किसी से नहीं उठा जाता है क्योंकि ठंड का मौसम है। और मैं अभी रोटी बनाती हूँ, आटा मैंने पहले ही गूंथ के रखा हुआ था, ये देखो। और सब्जी मेरी कल रात की है, इस पर बची हुई ये दिख रही होगी, बस अब रोटी बना देती हूँ। हाथ ऐसे ठंडा हो रखा, थोड़ा सिकाई कर लूँगी गैस पे। अभी मैंने हीटर भी नहीं लिया है क्योंकि इतना ठंडा नहीं हो रहा था, अब होने लग गया ठंडा, तो अगर बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो अब रोटी बना लेती हूँ और फिर तैयार हो जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि 9:47 तो हो ही गए हैं, तो फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो जल्दी मैं कभी नहीं होने वाली हूँ तैयार, पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी। और मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और ना 10:10 हो गया है, और अब निकलती हूँ मैं फटाफट घर से। फ़ोन भी आ गया मौसा जी का क्योंकि उनका काम है कुछ जाना अगर कहीं, तो मैं निकल जाती हूँ अब घर से। तो मैं मेडिकल पे पहुंच गई हूँ और 5-10 मिनट हो गए पहुँचे हुए, तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल बैठ रखी हूँ। तो आज मेरा काम हुई है डब्बे वगैरह साफ़ करने के लिए, तो अभी नहीं कर रही, थोड़ी देर में करूँगी। मेरे हाथ ना पूरे ठंडे से हो रहे थे, मैंने बोला कपड़े धो वगैरह, तो उससे ना हाथ ठंडे हो रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर में ही करूँगी सफाई वगैरह का काम। तो मैं आ गई हूँ अभी घर पर और
यार मेरे पीछे से कुंडा खोलने गए थे नीचे, तो ये लोग ना यहाँ पे बैठ रखे हैं। हेलो, और यहाँ पे नानू अपना होमवर्क कर रही है, इसे विंटर सीजन का काम मिल रखा है, विंटर छुट्टियों का है ना, विंटर वेकेशन का काम मिल रखा है। और करो करो, इसकी मम्मी पढ़ा रही इसको, और ये भी अपना विंटर वेकेशन का काम कर रहा तू भी। ओ करो करो, तो मैं अब, और रितिका तो है नहीं घर पे, रितिका जा रखी है कॉलेज और छोटी वाली बहन जा रखी है स्कूल, तो दीदी ही है घर पे और आयशा। तो मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मैंने जाना भी है 2 बजे, तो फटाफट से चावल वगैरह बनाती हूँ, दाल भी बनानी है। और यहाँ पे इन्होंने गाजर का हलवा बना रखा था शायद सुबह, और ये मैं अभी खा रही हूँ, और ये पुलाव बच रखा था कल रात पुलाव बना रखा था शायद, तो ऐसी है चावल तो इसमें लगा दिए हैं, अब साथ से बनाते हैं। और तो मैं गाजर का हलवा खा लेती हूँ, खाना तो बन ही रहा है। और मौसम की बात की जाए तो सुबह तो धूप आ गई थी, और अभी बिल्कुल धूप है ही नहीं, मतलब धूप चले गई है, हल्की हल्की धूप है, पूरे आसमान में बादल आ गए हैं, तो अब देखते हैं 2-3 दिन में बारिश भी हो सकती है, अगर ऐसी रहा मौसम तो हो सकती है। तो अभी पूरा मतलब धूप ना बिल्कुल हल्की हो रखी है, अभी का मौसम देख सकते हो आप, अभी बिल्कुल धूप है ही नहीं भाई, मौसम तो साफ हो रखा है, धुंध तो हट रखी है, बट धूप नहीं है, आसमान में पूरे बादल आ रखे हैं, तो ये देख सकते हो आप अभी मौसम का नज़ारा। और ये किसी ने यहाँ पे आग जला दी और धुआं ही धुआं हो गया है। मेरा खाना पीना भी हो गया है और मैं निकल रही हूँ अब, क्योंकि 2 बज चुके हैं, और मेरे साथ तो वैसे ऐसी हो रहा, कुंडा कुंडा लग रहा गेट पर, मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई, ऐसी वहाँ हुआ मेडिकल पर, अब निकलते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8 और मैं अभी आ रही हूँ घर, तो अंधेरे में ना दिख नहीं रहा कुछ भी, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, ये देखो अभी मेरी शक्ल दिख रही है, और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार, अंधेरा अंधेरा धुंध। तो ये नाइट व्यू है अभी का, और इन्होंने ना मुझे फ़ोन करके बोला, दीदी आज यहाँ आ जाओ हमारे रूम पे, आज हमने कुछ स्पेशल बना रखा है तेरे लिए, तो क्या स्पेशल है ज़रा इनसे ही जानते हैं, और इसलिए मैं यहाँ आई, मैं अपने रूम पे जा रही थी, और इन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ बुलाया, फिर इन्होंने बोला हम बात ही नहीं करेंगे तेरे से, और देखो क्या है स्पेशल ऐसा नहीं पढ़ रहे, और ये मोए मोए इतना ट्रेंड चल रहा है कि इन्होंने भी मोए मोए कर दिया, मोए मोए मैं रखा जा रहा, मैं तो अभी भी जा सकती हूँ रूम पे, ये सोच रहे मैं जा रही हूँ भाई, मैं चले गई, अरे आइए आइए, आपको मोए मोए अनमोए कर रहे थे, मेरे को गिरा दिया, अबे अरे यार इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ रखा जैसे मैं भाग रही हूँ, यहाँ देखो अबे हट खड़ो उठ दे, देख रहे इनको क्या है, किचन पे जरा देखते हैं किचन पे, बस ठंड भी होनी भयंकर है, प्रोटीन। और यहाँ देखो ये है इनका स्पेशल सूप कर रही है, बोल रागी सूप है, बट स्पेशल क्या रागी सूप, रागी सूप सच, अच्छा ये मंडुए का आटे का सूप है भाई, जो गढ़वाली होंगे वो कोदा कोदा कोदे के आटे का सूप, ओ माय गॉड, चलो ठंड में ऐसे पीना चाहिए, आप लोग भी बनाना इसको घर पे, अगर जो लोग मेरे व्लॉग देखते हो कैसे कैसे बनाए तुमने बता तो दो, आपको चलो अभी तो फिलहाल आप ये सूप देख लो, अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर बता देंगे हम अगले व्लॉग में। तो सूप तो हमने पी लिया है, और सूप ना बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा था, किसने बनाया था, तो रितिका ने बनाया था, और वाकई में सूप बढ़िया था, सुपर स्टोर खोलता बहरों। तो अभी खाना पीना बनाते हैं, सब्जी तो बन गई है, रोटी वगैरह बनाते हैं, और मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।